Hello children, we are in your lesson number 3, hand care, that means haathon ki dekhbhal. Kyun zaruri hai haathon ki dekhbhal? Haathon ki care? Kyun haathon ko saaf rakhna zaruri hai? Maximum bacterias jo aapke body mein jaate hain, आपके हाथों से जाते हैं. अगर आप अपना हाथ साफ नहीं रखेंगे तो आप अक्सर बीमार रहेंगे. आपके कोर्स में इस लेसन का महत्व प्रश्न के उत्तर देने तक सीमित नहीं है. आपको इसको अपने जीवन में उतारना है, आपको सीखना है कि हाथ साफ रखना क्यों जरूरी होता है. अगर आप हाथ साफ नहीं रखेंगे तो आप बीमार पड़ते रहेंगे, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, ना पढ़ाई में मन लगेगा, शरीर कमजोर होगा, ना पढ़ पाएंगे, ना खेल पाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे. जितना अच्छा भोजन करना जरूरी होता है उतना ही हाथों को साफ रखना जरूरी होता है. टॉयलेट यूज करते हैं उसके तुरंत बाद आके हाथ धोइए. खाना खाने से पहले हाथ धोइए, खाना खाने के बाद हाथ धोइए. जब भी आपका हाथ आपके मुंह में जाने की स्थिति बने आपको हाथ धोना है. आपका आपकी उंगली आपके आंख में जाने की स्थिति बने आपको हाथ धोना है, जिससे आपके आंखों में, आपके मुंह में, आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो. आप खेल के आते हैं, हाथ पैर धोइए, मुंह धोइए, हाथ एकदम साफ धोइए, सोने से पहले हाथ धोइए. जितना ज्यादा आप अपने हाथ को साफ रखेंगे उतना आप निरोग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. हमारा हाथ धोने से एक साधारण तात्पर्य यह नहीं है कि नल के नीचे गए, हाथ को रखा, हाथ भीग गया, गीला हो गया और आप वापस आ गए. यह हाथ धोने का तरीका नहीं है. बड़ा अजीब लगता है ना यह सुन के, हाथ धोने का तरीका. यस, एक टेक्निक है, एक प्रॉपर टेक्निक है, एक सही तकनीकी से अगर आप हाथ धोएंगे तो ही आपका हाथ जर्म फ्री होगा, वरना वो बैक्टीरियाज आपके हाथ में मौजूद रहेंगे और आप बहुत खुश कि आपने हाथ धोया है, लेकिन वो बैक्टीरिया आपके शरीर में जाके वो भी खुश कि इन्होंने हाथ धोया और मैं अंदर आ गया, मुझे कुछ नहीं. इसी चीज को आपको सिखाना है. हाथ धोते समय किन बातों का ध्यान रखें, यह चित्र यहां पे है आपके बुक में, जिसमें तीन कलर नजर आ रहे हैं, एक गुलाबी, एक सफेद और नीला, और एक डार्क कलर है, ऑलमोस्ट ब्लैकिश. इसमें जो गुलाबी जैसा हिस्सा लग रहा है, जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, चित्र दिखाया था आपको दो हाथ का, उसी प्रकार से ये आपके इसमें फोटो भी दी हुई है कि जो गुलाबी सा कलर है वो हम जनरली मिस कर जाते हैं. ये हिस्सा देखिए दिख रहा है, ये सारी टिप्स दिख रही हैं, फिर ये जो नीले से रंगा हुआ है, जो हिस्सा लगभग डार्क दिख रहा है वो हम साफ कर लेते हैं. ये एक चित्र जो एक साइड बना हुआ है जिसमें आपकी, जिसमें बैक लिखा हुआ है जिसके नीचे, उसमें ये देखिए ये हिस्सा हम जनरली छोड़ देते हैं, ये भी हिस्सा हम जनरली छोड़ देते हैं साफ करने के लिए, ये हिस्सा हम छोड़ देते हैं. उसके बाद देखिए ब्लू वाला हिस्सा, ये छूट रहा है. सामने का हिस्सा देखेंगे तो ये हम लगभग साफ कर लेते हैं,
फिर यहाँ पे ये हिस्सा में सो रहा है, ये हिस्सा यहाँ में सो रहा है, बीच बीच में हम छोड़ दे रहे हैं, ये हिस्सा हमारा में सो रहा है। हम किस तरीके से धोएं हाथ कि हमारा हाथ एकदम साफ हो जाए, कोई भी हिस्सा मिस ना हो? पहले आपके लेसन के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है कि ये हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका है। आइए पहले लेसन देखते हैं। हैंड केयर, हाथों की देखभाल। हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। कॉर्नर स्टोन, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक होता है अगर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। संक्रमण जो हमको बीमार करता है उस पर हम नियंत्रण पाना चाहते हैं, उस पर रोकथाम करना चाहते हैं, तो हाथों को धोना बहुत आवश्यक होता है। द रिजल्ट ऑफ अ हैंड क्लेंजिंग स्टडी एस्टैब्लिश्ड दैट इन मेनी केसेस हैंड वॉशिंग टेक्निक वॉज इन एडिक्वेट। हैंड क्लेंजिंग टेक्निक, हैंड क्लेंजिंग हाथ सफाई, क्लेंजिंग यानी सफाई, हाथ की सफाई के बारे में जब सर्वे किया गया तो ये परिणाम निकल के आए, अधिकांश जगह हाथ धोने की तकनीक ही उसका तरीका सही नहीं था और इसी कारण क्या हो रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे। ये तकनीकी, ये तरीका, ये स्टाइल हाथ धोने का पर्याप्त नहीं था, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त था, जिसके कारण लोगों को बीमारियां हो रही थी। क्या तरीका है सही, आइए देखते हैं हाथ धोने का तरीका, हैंड वॉशिंग टेक्निक। फर्स्ट, वेट हैंड्स थॉरली विथ वॉटर। आपको अपना हाथ अच्छी तरह से पानी से गीला करना है। अच्छी तरह से पानी से गीला कर लीजिए। टेक वन मेजर ऑफ क्लेंजर, एक अनुपात में, एक क्वांटिटी होती है, लगभग समझ लीजिए एक बड़े सिक्के के साइज का, आप उतना सफाई करने वाला साबुन या क्लेंजर आप ले लीजिए। लिक्विड सोप भी हो सकता है, बार सोप भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रब हैंड्स पाम टू पाम, रब हैंड्स पाम टू पाम। रब का मतलब होता है रगड़ना, पाम यानी हथेली, हथेलियों को रगड़िए, रब का मतलब रगड़ना, नोट करते जाइए बिल्कुल। राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट बैक, राइट हैंड लाइक दिस, राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट। फिंगर्स लिंक्ड इन पाम, फिंगर्स लिंक्ड इन पाम। रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज एंड रिपीट, रोटेट घुमाना, इस तरह से घुमाइए, इस तरह से घुमाइए, इस तरह से उंगलियों को बीच में डालिए। रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, रिस्ट कलाई घुमाइए। चेंज हैंड्स एंड रिपीट, एक बार फिर से। आपको क्या करना है, पहले हाथों को थॉरली अच्छी तरह से गीला कर लीजिए, वेट यानी गीला करना। साबुन लीजिए एक मेजर, मैं आपको अंदाज बता दूं, लगभग आपकी हथेली पे, इस तरह से एक सिक्के के बराबर, ठीक है। उसके बाद रब हैंड्स पाम टू पाम, पाम यानी हथेली, रगड़िए। उसके बाद दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर से सफाई कीजिए, दाहिने हाथ से, फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ के ऊपर की सफाई कीजिए। उसके बाद फिंगर्स को, उंगलियों को पाम पे लेके इस तरह से भी करना है आपको, वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। फिर आपको दाहिने हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को रोटेट करते, रोटेटिंग मोशन में घुमाते हुए साफ करना है, इसी प्रकार से बाएं हाथ से दाहिने हाथ के अंगूठे को। उसके बाद
दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को घुमा के साफ कीजिए, और आपको उसके बाद जो हाथ मिलेंगे वो पूरी तरह से साफ होंगे। हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आते हैं वीडियोस पे। राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू इन्फेक्शन। आपको सेंटेंस का, इस लेसन का वो सेंटेंस लिखना है जिसमें ये बात कही गई है गलत तरीके से हाथ धोने से संक्रमण होता है। पहली ही लाइन जो आपके लेसन में है, हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। ये लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड नेम द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड व्हाइल वॉशिंग हैंड्स। चित्र देख के बताइए कौन कौन सी जगह आप हाथ धोते समय मिस कर देते हैं। थम, टिप्स, बैक, सब दिया है चित्र में, देख के लिखिए। देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द एडवर्टीजमेंट। 6 आपको यहां तरीके बताए गए हैं, 6 स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के जो आपको फॉलो करने चाहिए। कौन कौन से स्टेप्स हम मिस कर देते हैं वो स्टेप्स आपको लिखने हैं। अब हम आते हैं इसके बाद, ये कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है हाउ टू वॉश हैंड्स। इसमें 6 के 6 तरीके जो यहां पे दिए हैं लाइन से, ये आपको लिखना है, जो आप बड़ी आसानी से लिख लेंगे। वहीं से देख के आपको लिखना है और याद रखना है। अब हम देखेंगे हैंड वॉशिंग का वीडियो आपके सामने। आपने वीडियो देखा, अब आप बताइए, आप खुद सोचिए आप किस तरह से हाथ धोते हैं और यहां किस तरह से दिखाया गया है। और आज के बाद प्रॉमिस कीजिए जैसा हाथ धोने का तरीका आपको यहां बताया गया है उसी तरीके से आप हाथ धोएंगे। एक चीज और, हाथ धोने के बाद जो हम नल बंद करते हैं वो नल में बहुत गंदगी होती है, अगर पॉसिबल हो तो अपने एल्बो की सहायता से बंद करें, अगर बंद कर सकते हैं तो, और नहीं तो आपके पास कोई साफ नैपकिन हो उससे आप बंद कर लीजिए। आप अपने हाथ को नल पे अगर दोबारा डालेंगे तो वो हाथ फिर गंदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।